Hi friends, welcome back to my channel, and this is part 12 of practical problems in respect of paper 18 CMA group 4 final. Okay, so let's get started. Now the first problem is Messrs. X Limited paid penalty under section 49 of the CGST Act 2017 rupees 20 lakhs to the government department in the month of April 2020. Is it taxable supply under GST law? Please note that any penalty paid to the government, will not attract GST since there is no supply, so GST will not be applicable in this case. Okay, next one, a contract awarded by BMC, Bombay Municipal Corporation, for repair of a particular road to Messrs. B Limited of Mumbai with terms and condition that the entire work should be completed within 30 days. However, there is a delay of 10 days to complete the work. BMC charged liquidated damages of rupees 1,20,000 and the same recovered from Messrs. B Limited. तो क्वेश्चन ये है कि बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया टू बी लिमिटेड टू कंप्लीट द पर्टिकुलर वर्क विद इन 30 डेज, 30 दिन में वो रोड का काम पूरा करना था, हाउएवर उसमें 10 दिन का डिले हुआ. डिले होने की वजह से बीएमसी ने बी लिमिटेड को 1,20,000 रुपए का लिक्विडेटेड डैमेज लगाया और वो रिकवरी बी से कर ली. नाउ उसमें हमको देखना कि जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन होगा. नाउ एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. फाइंड द फॉलोइंग, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी एंड ऑन व्हाट अमाउंट एंड टोटल जीएसटी लाइबिलिटी इफ एनी. Please note that the work is already completed. काम पूरा हो चुका है लेकिन वो 30 दिन की जगह 40 दिन में पूरा हुआ है. Okay? So contract already performed हो गया है. जहां पर contract complete हो गया है means there is a supply. और ऐसे supply के ऊपर अगर कोई late fees या इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट या लिक्विडेटेड डैमेज, कोई भी चीज अगर ऐसे कोई चार्ज है जो अदर ओवर एंड अबव इनवाइस के अलावा अगर पे करना है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है. सो इन दिस केस 1,20,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा और सिंस इट इज अ गवर्नमेंट एंटिटी तो रिवर्स चार्ज में मैसर्स बी लिमिटेड को जीएसटी लायबिलिटी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%. सो 1,20,000 into 18% दैट विल बी 21,600 अंडर आरसीएम उसको पे करना पड़ेगा. ओके, पहला केस में क्या हुआ है? पहला केस में देखिए, ये एग्जांपल नंबर 125 में क्या है, इसमें भी पेनल्टी पे कर रही है. ओके, यहां पर भी अगर लेट फी, इंटरेस्ट, लिक्विडेटेड डैमेज या कोई पेनल्टी पे करना तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. और ये वाले केस में
पेनाल्टी पे की है, ओके, अंडर सेक्शन 49। लेकिन क्योंकि यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज व्हाई देयर इज नो सप्लाई इन दिस केस, नो सप्लाई, सो नो जीएसटी, ओके। एंड ये वाले केस में क्या हुआ, रोड का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इंस्टेड ऑफ 30 डेज वो 40 डेज में कंप्लीट हुआ है। सिंस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ सप्लाई, दैट इज व्हाई कोई भी लिक्विडेटेड डैमेज या लेट फीस या इंटरेस्ट या डैमेज या पेनल्टी, जिस किसी भी नाम से इसको बुलाएं, अगर वो ओवर एंड अबव इनवाइस के प्राइस के अलावा अगर पे करना है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी हुज नॉमिनल शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड्स ₹1,00,000, पेड रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹5,000, whether your answer is different if registration fee is ₹6,000, is it taxable supply, attract GST। तो एक कंपनी है, उसने नॉमिनल शेयर कैपिटल 1,00,000 से ज़्यादा नहीं है और उसने रजिस्ट्रेशन फी ₹5,000 गवर्नमेंट को पे किया है। पहला क्वेश्चन ये है, इज इट अ टैक्सेबल सप्लाई। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेदर योर आंसर इज डिफरेंट इफ रजिस्ट्रेशन फी इज ₹6,000। तो पहला केस में रजिस्ट्रेशन फी इज 5,000, सेकेंड केस रजिस्ट्रेशन फी इज 7,000। प्लीज नोट दैट दोनों ही केस में मैं जीएसटी इज एग्जम्प्टेड, ओके, एग्जम्प्टेड वाई एंट्री नंबर 47 ऑफ नोटिफिकेशन 12/2017, ओके, ये एग्जम्पशन का नोटिफिकेशन है, सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 June 2017। तो एंट्री नंबर 47 क्या बोलता है कि एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटी फॉर एनी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ओके, एनी टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, एनी रजिस्ट्रेशन फी अंडर एनी लॉ, ओके। नॉर्मली क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट का फी ₹5,000 से ज़्यादा है, जैसे हमने पहले देखा है, ₹5,000 से अगर ज़्यादा है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। लेकिन अगर वो फीस सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट को किसी रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई है या फिर टेस्टिंग, ओके, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक और फायर लाइसेंस, एनी टाइप ऑफ लाइसेंस किसी भी लॉ के अंडर में, अगर वो सेंट्रल या स्टेट या लोकल गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से अगर कोई भी लाइसेंस लिया जाता है या रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। सो दोनों ही केस में रजिस्ट्रेशन फी ₹5,000 है या रजिस्ट्रेशन फी ₹6,000 है, दोनों ही केस में जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज इट इज कवर्ड बाय एंट्री नंबर 47। ओके, नेक्स्ट वन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर सर्टिफाइंग द नंबर ऑफ इयर्स ड्यूरिंग विच द पर्सन हैज स्टेड इन स्टेट हैज बीन ऑप्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस बाय पेइंग फीस ऑफ ₹5,500। अगेन ये भी एंट्री नंबर 47 में कवर्ड हो जाएगा ऑफ नोटिफिकेशन 12/2017, ओके, सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड। ये नोटिफिकेशन में आपको सारे सर्विस के एग्जम्पशन मिलेंगे, ओके, हर एक एंट्री के अगेंस्ट में सर्विस के एग्जम्पशन दिए हैं, अगर कुछ कंडीशन है तो कंडीशन भी इसमें आपको मिलेगी। तो इन केस ये सर्टिफिकेट लिया गया है, ओके, सो ये भी एग्जम्प्टेड सर्विसेज है, इसके ऊपर भी कोई आपको
जीएसटी नहीं लगेगा। ओके सो नेक्स्ट वन इज एक्स लिमिटेड कवर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज सर्टिफाइड द फैक्ट्री इज सेफ फॉर द वर्कर्स टू कैरी देयर वर्क एंड चार्ज गवर्नमेंट फी ऑफ ₹10,000। एक्स लिमिटेड ओन्ड वन मोर फैक्ट्री एट अनदर प्लेस विच इज नॉट कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हाउएवर एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्ड सेफ्टी सर्टिफिकेट फॉर द फैक्ट्री फ्रॉम द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज बाय पेइंग ₹15,000 वॉलेंटरली। इज इट टैक्सेबल सप्लाई अट्रैक्ट जीएसटी? इफ सो हु इज लाइबल टू पे जीएसटी? एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। प्लीज नोट दैट एक्स के पास दो फैक्ट्री हैं और एक फैक्ट्री जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कवर्ड है। तो जैसा हमने पहले देखा है कि एनी सर्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, उसमें जो भी फी रहेगा दैट विल बी एग्जम्प्टेड। सो इन फर्स्ट केस द फैक्ट्री विच इज कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसके लिए जो फीस पे किया है 10,000 का, वो एग्जम्प्टेड है। ओके, अगेन रजिस्ट्रेशन, कैलिब्रेशन एंड उसके लिए एंट्री नंबर है एंट्री नंबर 47 ऑफ नोटिफिकेशन 12/2000 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 June 2017। अभी दूसरा केस में क्या हुआ है, द फैक्ट्री विच इज नॉट कवर्ड, ओके, सेकेंड फैक्ट्री इज नॉट कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और उसके लिए फी वॉलेंटरली पे की है, दैट विल बी टैक्सेबल सप्लाई बिकॉज दिस इज नॉट अ कंपल्सरी या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन फी नहीं है, तो वो रूल सॉरी एंट्री 47 में कवर्ड नहीं होगी और उसके अंडर में आपको आरसीएम के अंडर में जीएसटी पे करना होगा। सो सिंस 18% इज द जीएसटी रेट, सो 9% वुड बी सीजीएसटी, दैट इज 1350 प्लस 15,000 इंटू 9% 1350 वुड बी एसजीएसटी पे करना होगा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना होगा अंडर आरसीएम। प्लीज नोट दैट ये दोनों में अंतर यह है कि पहली वाली जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कवर्ड है, सो इट इज मैंडेटरी आपको उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट या सेफ फॉर द वर्कर्स वट एवर द नेम, वो कंपलसरी है, तो वो एंट्री नंबर 47 में कवर्ड है। दूसरा केस में क्या है कि फैक्ट्री इट इज नॉट कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसमें वो कवर नहीं है, इसके लिए 15,000 रुपीज का जो फीस होगा वो एक्स लिमिटेड को आरसीएम के अंडर में भरना पड़ेगा। ओके, गो टू नेक्स्ट वन। द इंस्पेक्टर ऑफ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वेरीफाइड द कैलिब्रेशन, ओके, कैलिब्रेशन ऑफ वेइंग स्केल एज वेल एज द वेट एंड कलेक्टेड चार्जेस ऑफ रुपीज 7,500 फ्रॉम द शॉप ओनर अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, इज इट टैक्सेबल सप्लाई? ओके, इट विल बी एग्जम्प्टेड सप्लाई, इट इज अगेन कवर्ड अंडर एंट्री 47 ऑफ नोटिफिकेशन 12/2000 सेंट्रल टैक्स रेट
डेटेड 28 जून 2017, बिकॉज अंडर 47 एंटी नंबर 47 एनी रजिस्ट्रेशन फी और कैलिब्रेशन फी इज एग्जम्प्टेड सप्लाई. ओके, वेदर इट इज पेड टू एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के. तो जो भी कैलिब्रेशन चार्जेस पे किए जाते हैं, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो, वो एंटी नंबर 47 में कवर होंगे, जो कि नोटिफिकेशन 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017 है और उसमें वो कवर होंगे. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कल्पेश्वरा चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. प्लीज नोट दैट ये इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 12AA, इट इज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट. सप्लाइड द फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द टैक्सेबल पीरियड. फाइंड द टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई. सो हमको टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जम्प्टेड सप्लाई है, वो फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम नवरात्रि फंक्शंस, अदर रिलीजियस फंक्शंस एंड रिलीजियस पूजास कंडक्टेड फॉर रुपीज 212345. प्लीज नोट दैट पहला वाला जो केस है उसमें इट विल बी अ एग्जम्प्टेड सप्लाई. क्यों एग्जम्प्ट रहेगा? बिकॉज इट इज मेंट फॉर, इट इज मेंट फॉर रिलीजियस सेरेमनी. ओके, रिलीजियस सेरेमनी. सो जो भी रिलीजियस सेरेमनी के लिए एक्सपेंसेस हैं या उसमें इनकम होता है, इट इज एग्जम्प्टेड सप्लाई, और तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा. सेकेंड वन, ड्यूरिंग गणेश उत्सव और अदर रिलीजियस फंक्शंस, चैरिटेबल ट्रस्ट रेंट आउट देयर स्पेस टू एजेंसीज फॉर एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स. इनकम फ्रॉम सच एडवर्टाइजमेंट रुपीज 498765. प्लीज नोट दैट दिस विल बी टैक्सेबल सप्लाई. एनी सप्लाई, अगर वो रिलीजियस एक्टिविटी के लिए नहीं है. ओके, अगर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सर्विस इज अ कमर्शियल एक्टिविटी. ओके, एडवर्टाइजमेंट इज अ कमर्शियल एक्टिविटी. सो कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो ट्रस्ट करता है, चैरिटेबल ट्रस्ट करता है, उसके ऊपर जीएसटी कंपलसरी लगता है. ओके, थर्ड इज डोनेशन फॉर रिलीजियस सेरेमनी इज रिसीव्ड विथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू एडवर्टाइज द नेम ऑफ अ डोनर फॉर रुपीज 1,01,000. प्लीज नोट दैट इस केस में भी रिलीजियस सेरेमनी के लिए पैसा आया है. डोनेशन किस लिए? फॉर रिलीजियस सेरेमनी. लेकिन उसमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्या है कि डोनर का नाम वहां पर डिस्प्ले होना चाहिए और उसके लिए 1,01,000 दिया है. ओके, सो दिस विल बी टैक्सेबल सप्लाई. और ये क्यों होगा? क्योंकि डोनेशन इज अगेंस्ट, इज अगेंस्ट एडवर्टाइज द नेम ऑफ, द नेम ऑफ अ डोनर. ओके, सो पहला केस में रिलीजियस एक्टिविटी है तो दिस इज एग्जम्प्टेड. दूसरा केस में होर्डिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड किया है, दिस इज अ कॉमर्शियल एक्टिविटी, दिस विल बी टैक्सेबल. तीसरा केस में रिलीजियस सेरेमनी के लिए डोनेशन आया है बट इट इज विद द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू एडवर्टाइजमेंट. अगेन
सिंस इट इज अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट सो इट इज अ टैक्सेबल सर्विस एंड जीएसटी विल बी पेड इन लास्ट टू केसेस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज CMA Manish Khera. Thank you very much.